फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी लॉन्च हो चुकी है। इसके साथ साथ जैसे कि पहले बताया गया था, इसके साथ ही फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी भी साथ में चलती रहेगी। पिछले कुछ एपिसोड्स के पहले मैंने बताया था कि ये जो फोर्थ जनरेशन की है सिटी, इसके अंदर जो वेरिएंट्स हैं वो बहुत क्लैश कर रहे हैं जो नई जनरेशन वाली होंडा सिटी है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि इसके साथ या तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए या फिर इसके अंदर बड़े बड़े डिस्काउंट देने शुरू कर दिया जाए। तो ये बात कहीं ना कहीं तो मेरी सच होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों आज बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की होंडा सिटी के अंदर जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। सबसे पहला बदलाव दोस्तों अगर मैं कहूं तो इसके अंदर डीजल वेरिएंट पहले से ही डिसकंटिन्यू था और अब आगे जाके उसको कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा, यानी कि परमानेंटली फोर्थ जनरेशन के अंदर बंद कर दिया गया उसको। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर पेट्रोल के अंदर जो वेरिएंट्स आते हैं वो 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन आता है वो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन उसके अंदर से सीवीटी ट्रांसमिशंस को हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशंस ही रखे गए हैं। यानी कि अगर बात करें डीजल इंजन की तो फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी या आपके पास अमेज बची है या WRV बची है जिसके अंदर की हमें पेट्रोल और डीजल दोनों की सुविधा मिल पाएगी। अब बात करो दोस्तों अगर चौथी बात इसके अंदर जुड़ी हुई है वो है इसके अंदर ऊपर के टॉप ट्रिम्स हटा दिए गए हैं। पहले इसके अंदर आते थे SV, V, VX और ZX, अब इसके अंदर सिर्फ SV बेस वेरिएंट और V उससे ऊपर का वेरिएंट, सिर्फ ये दो वेरिएंट इसके अंदर छोड़ दिए गए हैं, बाकी सब वेरिएंट बंद कर दिए गए हैं। इसके अंदर भी हमें कोई भी CVT ट्रांसमिशन की सुविधा भी नहीं मिल पाएगी। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा दोस्तों इसलिए किया गया है कि जो इन दोनों के बीच के जो गैप थे वो काफ़ी कम रह गए थे और नई गाड़ी को बूस्ट करना था और इनके प्राइजेज़ भी क्लैश हो रहे थे। अगर प्राइजेज के बारे में ज़्यादा डिटेल आपको जाननी है तो ऊपर हाई बटन पर क्लिक कर दीजिए, सारी डिटेल उसके अंदर आपको मिल जाएगी प्राइजेज और हमें जो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन है सारी के अलग अलग बाइफरकेट अगर मैंने वीडियो बना रखी है। तो चलिए हम उस लेवल में नहीं जाते। और हाँ एक छोटी सी बात और, जब भी ऐसी आप वीडियो देखें तो उस वीडियो के मायने तब तक होते हैं जब तक उसका अपडेट नहीं आता। जब अगली गाड़ी का अपडेट आ गया तो उस वीडियो के मायने थोड़े ख़त्म हो जाते हैं। वही बात दोस्तों कंपटीशन की होती है, यानी कि होंडा सिटी के साथ अगर मैं वर्ना का कंपटीशन कर रहा हूँ वो तब तक वैलिड है अगर होंडा सिटी का कोई नया वर्ज़न या वर्ना का नया वर्ज़न नहीं आ जाता। फिर जब वो गाड़ी आएगी उसके साथ कुछ अपडेट आएगी तो उसके साथ उसका हमारा कंपटीशन करना और वाजिब बन जाता है। तो चलिए, जो CVT ट्रांसमिशन इसके अंदर अवेलेबल थे वो थे 12,01,000 रुपये शुरू होकर 14,31,000 रुपये तक, लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन वाली होंडा सिटी है उसके अंदर जो CVT ट्रांसमिशन है 12,20,000 से लेकर 14,45,000 रुपये तक है। यानी कि प्राइजेस के अंदर कुछ खास डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन नई जनरेशन की गाड़ी और नए सारे फीचर्स हमें देखने को जरूर मिलते हैं अगर आप नई गाड़ी ले लेते हो तो। तो अगर बात करूँ अब वाले वेरिएंट्स की, तो अब वाले वेरिएंट के अंदर कोई भी प्राइसेस का इजाफा नहीं है। 9,91,000 रुपये फोर्थ जनरेशन के SV वेरिएंट की कीमत है और V वेरिएंट की कीमत 10,66,000 रुपये रखी गई है। जबकि अगर मैं बात करूं SV वेरिएंट इसके अंदर दिया ही नहीं गया, जो ऊपर का वेरिएंट यानी कि फिफ्थ जनरेशन वाली है इसके अंदर सिर्फ V वेरिएंट आता है, यानी कि क्लैश सिर्फ रह गया V वेरिएंट के अंदर, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन है। अब V वेरिएंट जो है उसके अंदर क्या कीमत है फिफ्थ जनरेशन की, वो है दोस्तों तकरीबन कोई 24,000 रुपये ज़्यादा, यानी कि 10,90,000 रुपये। लेकिन क्या वो 24,000 रुपये लगाना हमारे लिए वाजिब रहेगा? बात करते हैं दोस्तों के बारे में, बाद में बात करेंगे कि क्या वाजिब है कि नहीं है। उसके अंदर नई आपको गाड़ी मिल जाती है, साइड एयर बैग्स मिल जाते हैं, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स और पार्टली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर की एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की सुविधा भी साथ में आपको मिल जाएगी, प्लस इसके साथ ही हमारे रियर के हेडरेस्ट हैं वो भी एडजस्टेबल मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर ये चीज़ें देखें तो 24,000 रुपये लगाना मेरे हिसाब से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जब हम 10-10.5 लाख रुपये तक लगा रहे हैं। तो 24,000 रुपये और देखें हम नई जनरेशन की नई इक्विपमेंट वाली नए फीचर्स वाली गाड़ी लें तो कुल मिला के एक छोटा SV वेरिएंट रह गया है। अगर किसी ने कम पैसे खर्चने हैं तो 9,91,000 रुपये का है,
उसके बाद सीधा 10,90,000 रुपये, यानी कि तकरीबन 1,00,000 रुपये डिफरेंस रह गया। मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी पैकेज फोर जनरेशन के अंदर अभी 9,91,000 रुपये बेस वेरियंट ही रह गया है। लेकिन अगर आपको फैक्ट्री फिटेड काफ़ी अच्छी सारी सुविधाएं चाहिए, जिसके अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बाहर से लगवाना पड़ेगा, फुल बेल्स एंड विसल्स वाली गाड़ी आपको नीचे के वेरिएंट में चाहिए, तो आपको 10,90,000 रुपये में फिफ्थ जनरेशन वाली गाड़ी मिल जाएगी। बताइएगा दोस्तों ये अपडेट कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। क्विक अपडेट तो आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेवारी बनती है, वो आप कोशिश करते रहते हैं कि जैसे आए वैसे आपके पास पहुँच जाए। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएँ, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।